मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश करने वाले हैं, जिसमें चुनावी साल होने के चलते कई ऐसी घोषणाएं संभव है जो आपने सोची भी ना हो। 10 फरवरी 2023 को राजस्थान में गहलोत सरकार राज्य का बजट पेश करने वाली है। चुनावी साल होने के चलते बजट राहत बचत और बढ़त में फॉर्मूले पर आधारित होगा। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के बारे पैच फ्री बिजली देने के दायरा 50 यूनिट से बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक भी कर सकती है। हालांकि ऐसा होता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा इसका आकलन नहीं हो सका है। कुछ दिन पहले ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इसके अलावा राजस्थान में इस बार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय हैं और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। माना जा रहा है कि गहलोत इस ऐलान से केजरीवाल को पटखनी दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 201 से 400 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल करे तो उसे बिल में 50% की मिलती है। वही पंजाब सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री और 1 किलोवाट तक कनेक्शन वाली एससी बीसी और बीपीएल उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली फ्री में देती है। वर्तमान में राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से 50 यूनिट तक बिजली फ्री है और 150 यूनिट तक बिजली खर्च पर 3 रुपए प्रति यूनिट, 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी है। इसके अलावा 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर सरकार ने एक स्लैब तय किया है। सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार को ये आखिरी बजट है, जिसमें गहलोत साल के आखिरी में होने वाले चुनाव को देखते हुए कई और बड़े और लोक लुभावने फैसले कर सकते हैं।